हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल। हेल्प ट्यूबर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बिना एटीएम कार्ड के पेटीएम ऐप में पेटीएम का यूपीआई पिन बनाएंगे जो गूगल पे में भी काम कर पाएगा, फोन पे में भी। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि बैंक का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पासकोड मांग रहा है, मेरा पहले से बना हुआ है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले रिसेट करके दिखाता हूँ, फॉरगोट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका नहीं है तो सेट करके कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पर देख सकते हैं कि ओटीपी मांग रहा है, तो यहाँ पर मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यहाँ पर आ चुका है। आपको मैं ओटीपी दिखाता हूँ और आप यहाँ पर ओटीपी देख सकते हैं, यहाँ पर 8842255 ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं डालूंगा, तो यहाँ पर मैं अपना ओटीपी डालता हूँ। अगर आपका ना आए तो यहाँ पर रिसेंड ओटीपी कर सकते हैं दोबारा ओटीपी लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल दिया और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो फर्स्ट आधार कार्ड का 4 डिजिट है वो मांग रहा है, जिसके नाम से यहाँ पर KYC हुआ था। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया और यहाँ पर देख सकते हैं कि सेट योर न्यू पेटीएम पेमेंट्स बैंक पासवर्ड। यहाँ पर मेरा नया पेमेंट्स बैंक का पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं पुराना वाला ही सेट करता हूँ, फिर यहाँ पर कंफर्म डाल देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरा पुराना वाला पासवर्ड है वो नया पासवर्ड नहीं हो सकता है, यहाँ पर बोल रहा है। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर किया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डाल दिया, यहाँ पर सिक्योर योर अकाउंट बोल रहा है नॉमिनी के लिए। कोई बात नहीं, मैं बाद में जोड़ लूँगा। और यहाँ पर मेरा एटीएम कार्ड आप देख सकते हैं कि इस पर जो है ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है और यहाँ पर मैं इसे एक्टिवेट कर रहा हूँ, अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एटीएम कार्ड जो है वो एक्टिवेट हो गया है यहाँ पर। और इस तरह से आपका भी अगर एटीएम कार्ड एक्टिवेट ना हो तो कर सकते हैं इसे एक्टिवेट। अब चलते हैं होम पेज के ऊपर और यूपीआई जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको चलते हैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीआई ऑप्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपीआई ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हम सामने खुल के आ जाएगा। आप यूपीआई आईडी यहाँ पर देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर @paytm है, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप जो भी चाहें मैनुअली नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सिम वेरीफाई अभी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर नीचे एड न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से सिम वेरीफाई करने को बोलेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ एयरटेल से फर्स्ट वाले, और यहाँ पर मैं वेरीफाई के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे सिम से जो रिचार्ज होना चाहिए आपका, फ्री हो या फिर स्मार्ट पैक से हो रिचार्ज हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि SMS चला गया है और मेरा सिम जो है वेरीफाई कर लेगा मोबाइल। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर एड ए न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर फिर से क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेटीएम को सर्च करूँगा, PAYT। देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने आप आ गया, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट मेरा लिंक हो गया है पेटीएम का। अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट UPI पिन मांग रहा है और यहाँ पर नीचे डू इट लेटर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अभी मेरा UPI पिन सेट नहीं है, फिर भी यहाँ पर सिर्फ पेटीएम ऐप में दिखा रहा है कि 0 बैलेंस है, बाकी आपको कहीं भी नहीं दिखाएगा फ़ोनपे गूगल पे में। तो इसको सेट करना है, तो यहाँ पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ और फिर से पेटीएम के ऊपर चलते हैं। पेटीएम जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चेक बैलेंस, यहाँ पर सेट UPI पिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा पासकोड डालूंगा, ये मैं अपना जो पासकोड है बनाया है मैंने वो यहाँ पर डालूंगा 4 अंकों का। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिना एटीएम यहाँ पर UPI पिन बना सकते हैं। और यहाँ पर OTP आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये UPI का जो पेज होता है वो यहाँ पर खुल चुका है, अपने आप OTP डिटेक्ट कर लेगा ये। अगर ना करे तो आप यहाँ पर मैनुअली डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया और UPI पिन जो कि 4 अंकों का इसमें बनता है, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ 9684 डालूंगा यहाँ पर। और फिर नीचे यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद फिर से कंफर्म मांग रहा है, तो फिर से मैं डालता हूँ 9684 और 9684 हो गया और फिर से कंफर्म कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे कि देख सकते हैं कि योर UPI पिन हैज़ बीन सेट सक्सेसफुली, और यहाँ पर मेरा UPI पिन सेट हो गया है सक्सेसफुली, यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं गूगल पे हो या फ़ोनपे, यहाँ पर मैं इस UPI पिन की मदद से अपना बैलेंस चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ोन पे है मेरा, माई मनी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और बैंक अकाउंट UPI आई जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बैंक तो जुड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पर पेटीएम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी KYC फ़िलहाल में हुआ है। तो यहाँ पर एड न्यू बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेटीएम सर्च मारूँगा, तो यहाँ पर मैंने सर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख सकते हैं पेटीएम आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी सिम वेरीफाई करने को बोलेगा, तो चलिए यहाँ पर सिम वेरीफाई कर लेते हैं।
आपको बैक बटन नहीं दबाना है, नहीं तो ये वेरीफाई नहीं करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर SMS चला गया है और बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ पर खोज रहा है। आपको थोड़ा वेट करना होगा। और यहाँ पर फोन पे कोर्स से मैसेज आ रहा है कि आपका जो डिवाइस है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना होगा। अगर आपका ना हो तो यहाँ पर बैक कर सकते हैं, पूरा पेज रिफ्रेश कर सकते हैं और आपका दोबारा आ जाएगा। यहाँ पर मेरा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा उस टाइम नहीं हुआ तो सिर्फ सिम वेरीफाई होकर के रह गया। तो फिर से मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं कि पेटीएम फिर से मैं सर्च कर रहा हूँ, इस बार हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अकाउंट एडेड लिख रहा है और यहाँ पर अभी भी रिसेट UPI पिन ऊपर ऑप्शन दे रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर डन है और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक बैलेंस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो जो मैंने यहाँ पर पेटीएम ऐप में UPI पिन बनाया है वही यहाँ पर डाल देता हूँ, 9684। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर भी मेरा बैलेंस पेटीएम का शो करने लगा, जो कि यहाँ पर 0 रुपया है। अभी पेटीएम में अपना UPI ID बदल करके दिखाऊंगा, जो कि यहाँ पर बहुत सेंसिटिव बात होता है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर शो कर जाता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो भी दिखा रहा है सभी को हटा देता हूँ और अपना मैनुअली मैं नाम डालूंगा, जो कि उपलब्ध होगा वहीं यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डाल के चेक करता हूँ क्या ये अवेलेबल है, तो ज़्यादातर तो ये अवेलेबल ही होगा जहाँ तक उम्मीद है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ OP बरहुपर। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पर दिखा रहा है और जो मेरा UPI ID है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कैशबैक भी पहले आ चुका है 25 रुपये 11 जनवरी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पहले से ये यूज़ किया हुआ अकाउंट है पेटीएम का। तो इस तरह से KYC नहीं किया गया था लेकिन यहाँ पर भीम UPI चलता था इसका, फिलहाल KYC हुआ है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।